गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज अपना लेसन नंबर है 14 चंद्रमा और तारे। मैंने आपको ये लेसन कल आपको पढ़ाया था। लेसन में क्या था आपके, जो सूरज है सूरज के निकलने पर क्या होता है बेटा, सूरज के निकलने पर दिन होता है, जब सूरज छिप जाता है तो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और सूर्य हमारे पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है लेकिन ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें गोले की तरह ये नजर आता है, ठीक है। और देखो सूरज के निकलने पर ही तो सुबह होती है और यह सूरज आकाश में एक गेंद की तरह दिखाई देता है। सूरज बड़ा और गर्म है, यह हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। उसके बाद है चांद। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और चांद की आकृति निश्चित नहीं होती, यह हर रात अपनी आकृति बदलता है। देखो चांद का आप चित्र भी देख लो, ठीक है ना। चांद हर रात अपनी आकृति बदलता है, जब इसकी आकृति पूरी हो जाती है, जब चांद की आकृति पूरी हो जाती है यानी पूरा गोल ये नजर आता है, जब चांद पूरा गोल नजर आता है तो इस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं बेटा, पूर्णिमा की रात। कौन सी रात होती है, पूर्णिमा की रात। लेकिन जब चांद घटने लग जाता है, कम होने लग जाता है, आधा हो जाता है, फिर उससे भी कम हो जाता है, फिर बिल्कुल कम हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता, तो जिस रात ये दिखाई नहीं देता उसको हम कहते हैं अमावस्या की रात। कौन सी रात कहते हैं, अमावस्या की रात। यानी कि जब चांद पूरा दिखाई देता है तब पूर्णिमा की रात होती है, उजाला होता है सब तरफ। जब चांद दिखाई नहीं देता उस रात को कहते हैं अमावस्या की रात और उस दिन चारों तरफ अधिकतर अंधेरा होता है, ठीक है। उसके बाद हमें आकाश में तारे भी दिखाई देते हैं, आपने देखे भी होंगे रात के समय आकाश में छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। तारों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये अपनी जगह नहीं बदलते, जो जहां होते हैं वहीं के वहीं वो रहते हैं। और तारों का देखो रात में आकाश में आपने देखे होंगे भरा तारा, आकाश जो है तारों से भरा होता है। तारों का आकार बहुत बड़ा होता है लेकिन ये हमसे बहुत दूर है, चाहे चंद्रमा हो चाहे आकाश, ये सूरज हो चंद्रमा हो चाहे तारे, ये बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। हमारा सूरज भी तो एक तारा है। तारे आकाश में अपनी जगह बदलते रहते हैं, तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, तारे आकाश में अपनी जगह जो है बदलते रहते हैं। अब हम देखो प्रतिदिन आकृति बदलता है, कौन बदलता है बेटा, चंद्रमा। कौन बदलता है आकृति, चंद्रमा। कभी पूरा चांद, कभी आधा चांद, कभी दिखाई नहीं देता, तो कौन बदलता है, चंद्रमा। चांद दिखाई नहीं देता पूर्णिमा को, नहीं पूर्णिमा को तो पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस्या है रात को, रात को तो दिखता है लेकिन अमावस्या की रात को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। आग का गोला है हमारा जो सूरज है, वो एक आग का गोला है। रिक्त स्थान भरिए, हमारा सूरज भी एक तारा है। रात में आसमान में अनेक तारे दिखाई देते हैं, अमावस्या को रात में चांद दिखाई नहीं देता है। अमावस्या और चंद्रमा का आकार हर रात बदलता रहता है। उसके बाद देखो सूरज चंद्रमा और तारे जमीन पर चमकते हैं, सूरज चंद्रमा और तारे जमीन पर चमकते नहीं, वो आकाश में चमकते हैं। चंद्रमा रात में सूर्य के प्रकाश से चमकता है, हाँ चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। हमारा सूरज भी एक तारा है, सही है। तारे पृथ्वी से बड़े नजर आते नहीं, तारे पृथ्वी से छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। उसके बाद चंद्रमा की आकृति हर रात बदलती है, बिल्कुल सही। चंद्रमा की जो आकृति है वो हर रात बदलती रहती है। आप देखो प्रतिदिन आकृति बदलता है, आप चांद
तारे या फिर सूरज नहीं, प्रतिदिन आकृति बदलता है चांद। चांद दिखाई नहीं देता है पूर्णिमा को, अमावस्या को या फिर रात को। पूर्णिमा को तो बेटा पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस्या को चांद दिखाई नहीं देता है। आग का गोला है सूर्य, तारे या फिर चंद्रमा, तो बेटा क्या है सूर्य। सूर्य एक आग का गोला है। रिक्त स्थान भरिए, हमारा सूरज भी एक तारा है। बिल्कुल सही, ये बॉक्स में डालने हैं आपको रिक्त स्थान जैसे मैम ने की है। हमारा सूरज भी एक तारा है। फिर उसके बाद रात में आसमान में अनेक तारे दिखाई देते हैं। अमावस्या को रात में चांद दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का आकार हर रात बदलता रहता है। अब आप सूर्य चंद्रमा और तारे जमीन पर दिखाई, जमीन पर चमकते हैं गलत, वो आकाश में चमकते हैं। चंद्रमा रात में सूर्य के प्रकाश से चमकता है सही। हमारा सूरज भी एक तारा है सही। तारे पृथ्वी से बड़े नजर आते नहीं, तारे पृथ्वी से छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। चंद्रमा की आकृति हर रात बदलती है। बिल्कुल सही, चंद्रमा की जो आकृति है वो हर रात बदलती। अब लेसन नंबर जो 14 उसकी सभी एक्सरसाइज आज हो गई है। सही विकल्प भी, रिक्त स्थान भी और रॉन्ग राइट भी। अब आपके इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, उसके बाद हमारा जो कोर्स है पूरा हो जाएगा। एक मिनट देखती हूँ मैं आपका 60% कोर्स में, बस एक और बचेगा पूजा एवं पूजा स्थल, केवल लास्ट चैप्टर आपका बचेगा। ये आपका कल मैं पूरा करा दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपको इसके मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। थैंक यू बेटा।